दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार जरूर से ट्रेन में सफ़र किया होगा, और वो भी नॉर्मल ट्रेनों में। पर आज आपको दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताने वाला हूँ, जिन पर आप कभी सपने में भी नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसे बनाते वक्त कितने वर्कर ने अपनी जान गंवा दी। नंबर 5, असोमिनामी रूट जापान। ये रेल रूट जापान का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। इस पटरी का कुछ हिस्सा पतले लोहे के पुल से होकर गुजरती है, जो दोनों तरफ से खुला हुआ है। इसीलिए ट्रेन को काफ़ी सावधानी से चलानी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर का एक गलती ट्रेन को पटरी से उतारकर सीधे नीचे गिरा सकता है। दोस्तों, इस ट्रेन का खतरा यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि आगे जाकर इसे असोमिनामी ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरना पड़ता है। असोमिनामी जापान का सबसे बड़ा और खतरनाक ज्वालामुखी है, जिससे हर वक्त खतरा बना रहता है। यहाँ सफर के दौरान आप बड़ी आसानी से ट्रैक के पास जलते हुए लावा देख सकते हैं। अगर ये ज्वालामुखी फट गया तो यात्री को कोई नहीं बचा सकता है। नंबर 4, रामेश्वरम रेलवे ट्रैक चेन्नई। दोस्तों, ये भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है। दक्षिण भारत में मौजूद ये रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वर के पम्बन द्वीप से जोड़ता है, इसीलिए इसे पम्बन ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल की टोटल लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का निर्माण अगस्त 1911 में शुरू किया गया था और 24 फरवरी 1914 को यह बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, इस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखाई देते हैं, और जब समंदर में विशालकाय लहरें उठती है तो ट्रेन में बैठे यात्री की सांसें थम जाती है। नंबर 3, डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड। दोस्तों, डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर से बैंकॉक के वर्मा के शहर से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई 415 किलोमीटर है। ये रेलवे ट्रैक इतना ज्यादा खतरनाक है कि 1947 में बंद कर दिया गया था, और इसका कारण ये था कि इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने कवाई नदी में गिरकर अपनी जान गंवा दी। इसलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। दोस्तों, इतना घटना होने के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद यानी कि 1957 में फिर से चालू कर दिया गया। नंबर 2, जकार्ता रेल रूट इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में चलने वाली ये हाई स्पीड ट्रेन गकाले के इंडोनेशिया के सरपंडुम में पहुंचाती है। जकार्ता से पंडुक तक का ये सफर सिर्फ 3 घंटे का है, और ये 3 घंटे में आपको रोलर कोस्टर राइड देने के लिए काफी होगा। दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक तब खतरनाक नहीं लगता जब ये घने ट्रॉपिकल जंगल के ऊपर बनाए गए ब्रिज से होकर गुजरती है। तब ये मंजर काफी भयानक लगता है, क्योंकि ट्रेन से नीचे देखने के बाद आपको जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। नंबर 1, डेविल्स नोज रेलवे ट्रैक इक्वाडोर। दोस्तों, ये इक्वाडोर अलाउजी और सिलाम्बे के बीच एंडीज माउंटेन के ऊपर चलती है। ये खतरनाक पहाड़ पर स्थित ये रेलवे ट्रैक करीब 12 किलोमीटर लंबा है। 1905 में बनाया गया ये रेलवे ट्रैक के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है, जिसके बाहर देखने पर लोगों की पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक इतना पतला है कि इसको बनाते वक्त सैकड़ों वर्कर ने पहाड़ के नीचे गिरकर अपनी जान गंवा दी, इसलिए इसे डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक कहा जाता है। इस पटरी की टर्निंग इतनी शार्प है कि ट्रेन की पटरी से स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है। वैसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर से बताना।